विकेट के नुकसान पर एक रन चुराया मानव के द्वारा। बढ़िया बल्लेबाजी का प्रदर्शन, यहां पर मिस फील्ड हुआ कि 5वीं गेंद फिर से प्रदर्शन करते हैं रे। हाँ जी, अतुल गंगा आरसी कोतवाल साहब डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्चुरल स्पोर्ट्स कटरा की ओर से हार्दिक अभिनंदन सर। स्वागत करेंगे ट्रॉफी का फाइनल मैच। तो ये जो टूर्नामेंट प्रदर्शन किया होगा निश्चय ही वो खिलाड़ी आगे जाएगा डिस्ट्रिक्ट टीम के अंदर। अब ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं आमंत्रित करूंगा डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्चुरल स्पोर्ट्स ऑफिसर कठुआ श्री सुनील कुमार जी के इस टूर्नामेंट जो आने वाले एलजी रोलिंग ट्रॉफी के बारे में मुख्तसर सा परिचय जो है वो आज के मुख्य अतिथि जी को। आरसी कोतवाल और डिस्ट्रिक्ट कठुआ से पहली रणजी ट्रॉफी खेले हुए धर्मवीर जी और पुलिस प्रशासन से बाकी ऑफिसर आर्म्स और मेरे डिपार्टमेंट से आए हुए सभी अधिकारीगण और टीमें यहाँ पे जिन्होंने ये मैच खेला जोन हीरानगर और मडीन यहाँ पुलिस ग्राउंड के अंदर में इन सभी का दिल की गहराइयों से इनको खुशामदीद कहता हूँ और खासकर एसएसबी कठुआ जी का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमें और हमारे बच्चों को अपने कमल चरणों से आगे यहाँ पे आशीर्वाद प्रदान करा। तो एलजी रोलिंग ट्रॉफी जो है इसकी ई लॉन्चिंग जो है 22 तारीख को हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने करी थी। तो उसके बाद
हर पंचायत और ब्लॉक लेवल पे बच्चों के 19 साल की उम्र से लेके 35 साल के जो क्रिकेटर थे उनके ट्रायल करवाए गए, जिसमें 2100 समथिंग जो बच्चे हैं वो इसमें रजिस्टर्ड हुए। और इसमें से हर ब्लॉक से, हर जोन से सर जो है 16 बच्चों की जो है टीम 12 जोनों से बनाई गई, और उनके कंपटीशन सर यहाँ पे इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है करवाए गए। इसमें लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट्स हुई, 22 मैच टोटल हमारे यहाँ पे हुए, और बच्चों ने काफी बढ़िया कॉपरेट करा डिपार्टमेंट ऑफ यूजरी स्पोर्ट्स के साथ, और अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सबका योगदान इस टूर्नामेंट में रहा। एलजी कप के इस टूर्नामेंट में आए हुए हमारे कठुआ के एक्स रांची ट्रॉफी प्लेयर धर्मवीर जी, डिस्ट्रिक्ट यूथ एंड स्पोर्ट्स सर्विसेज के ऑफिसर, पुलिस लाइन के जितने भी हमारे कोलीग्स, और आज के इस फाइनल मैच के दोनों टीमों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। और आप दोनों टीमें फाइनल में पहुंची, और इस एक इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट में एक टीम तो जीतनी ही होती है और एक टीम उसमें हार का सामना करती है, ये तो क्रिकेट गेम का नियम भी है, और खेलना जरूरी है और उसमें भाग लेना बहुत जरूरी है, गेम की स्पिरिट को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और इस पूरे क्रिकेट टूर्नामेंट में या जितने भी हम सिविक एक्शन प्रोग्राम में टूर्नामेंट्स कराते हैं उसमें स्पिरिट का होना जरूरी है, बच्चों का यूथ एंगेजमेंट का स्पोर्ट्स में इन्वॉल्वमेंट रखना बहुत जरूरी है। और आज हीरानगर के जोन ने ये टूर्नामेंट जीता है, उनको बहुत बहुत बधाई। और जैसे आप बोल रहे थे कि लास्ट ओवर में ये मैच डिसाइड हुआ है, तो मरीन वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। मुझे लगता है कि हम लोग स्पोर्ट्स खेलें और नशे से दूर रहें और बुरी आदतों से दूर रहें, आप पढ़ाई करें और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, यही इस एज ग्रुप के बच्चों का मंत्र होना चाहिए, और इसी में हम सब की भलाई है। और आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है दोनों मेंटेन रहेगा। और कठुआ के इस डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स के ग्राउंड में हम बहुत सारे टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं। पिछले दिनों मैंने सिविक एक्शन प्रोग्राम में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज कंडक्ट की हैं, चाहे वॉलीबॉल टूर्नामेंट्स हों आपके बनी बिलावर बसोली और मल्हार के एरिया में। मरीन के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि वहां पे भी कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, हम जल्दी वहां पे भी कराएंगे। हीरानगर में हम एक क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं जिसका नाम रहेगा दिवाली कप, और 8-10 टीमें वहां पार्टिसिपेट करेगी, और उस क्रिकेट टूर्नामेंट का जितना भी सामान है वो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हमने खरीद भी लिया है, अवेलेबल भी है। जस्ट हमने कुछ लोगों के साथ बात की है कि वो वहां ऑर्गेनाइज किया जाए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स वालों से या हमारे जो एक्स रांझी ट्रॉफी प्लेयर है इनसे कि ये उसमें हमारा सहयोग करें और एक अच्छे लेवल का टूर्नामेंट जो है हीरानगर स्टेडियम में कंडक्ट किया जाए, जिसमें आसपास की चाहे बॉर्डर की टीम है, चाहे मरीन की टीम है, चाहे आपकी दियाराचक की टीम है, चाहे बिलावर की है, रामकोट की है, और आसपास में जितनी भी यहाँ लोकल कठुआ के क्लब्स हैं वो सब आए और बच्चे खेले और एक खेल भावना उसमें बच्चों की जनरेट होगी। और आप लोग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके नशे से दूर रहेंगे और आप में एक फाइटिंग स्पिरिट का होना बहुत जरूरी है जो आपको हमेशा गेम और स्पोर्ट्स से ही आता है। इस टूर्नामेंट को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने में और कंडक्ट करने में आने वाले वक्त में भी, चूंकि अब बरसात का सीजन खत्म हो गया है और स्पोर्ट्स का सीजन स्टार्ट हो गया है 15 सितंबर के बाद, तो आने वाले दिनों में हम लोग भी बहुत सारी एक्टिविटीज करवाने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहली एक्टिविटी जो से हम स्टार्ट कर देंगे एसएसपी ऑफिस में, आप सब लोग जो दौड़ने के शौकीन है उसमें 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, 10 किलोमीटर की होगी और 21 किलोमीटर की दौड़ होगी जो स्टार्ट होगी आपकी कठुआ स्टेडियम से, और ये जो रूट पिछले साल का था कीड़िया गंडियाल ब्रिज तक उसी तरह का रहेगा। आप आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसमें मेडल जीत सकते हैं और आगे का अपनी फिटनेस पे भी ध्यान दे सकते हैं। तो आप सब लोगों को ये मेरी तरफ से इनविटेशन है कि जितने भी लोग दौड़ के और फिटनेस के शौकीन है वो 1 नवंबर से एसएसपी ऑफिस में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसमें आपके आरएफआईडी लगेगी, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है वो आप दौड़ेंगे उसमें एक्चुअल में कौन आदमी जो है फर्स्ट सेकंड आ रहा है उसका इशू नहीं रहता है, और बहुत बढ़िया तरीके से हमने लास्ट ईयर भी वो कंडक्ट की थी, इस साल भी हम उसको कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो आप सब लोग ये मेरी तरफ से मैसेज स्प्रेड करें कि 13 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट पुलिस कठुआ जो है 3rd हाफ मैराथन कठुआ कंडक्ट करने जा रही है। उसके बाद नवंबर के एंड में या दिसंबर में हम जो हमारा
एनुअल फीचर है मार्टर्स क्रिकेट टूर्नामेंट, वो भी होगा। तब तक आप तैयारी करें, अपने क्लब्स बनाएं और अच्छी तरह से किसी न किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। आप सब लोगों ने यहाँ पे बहुत बढ़िया स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया और उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। आपने कितने रन बनाए? 51 in 55 ओवर एक विकेट, रन लगते कैप्टन इंडियन मदीन को बड़ा ही अच्छा मैच रहा। लास्ट ओवर क्या, लास्ट बॉल का भी मैच चला बहुत अच्छा। विनर की ट्रॉफी हासिल करते हुए जोन हीरानगर की टीम बहुत बहुत मुबारक। टिकट हुआ आपकी तरफ बोलता है हमारे पास आपका हिस्सा है।